नमस्कार दोस्तों, केपीएसआई टीम आप सभी साथ करें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जिंदाल स्टील प्लांट कंपनी की तरफ से डायरेक्ट भर्ती आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट भर्ती बताया गया, मतलब आपका डायरेक्ट ही भर्ती होने वाला है। इस कंपनी में का काम 8 घंटे 26 दिन चलने वाला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया है। इस कंपनी में जो आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी वो 25,000 आपका बेसिक सैलरी इसमें रहने वाला है। इसमें आपको फुल टाइम जॉब दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एज लिमिट जिनका 18 से 45 वर्ष तक है वो इसमें जॉब कर सकते हैं। जगत आपका कुछ भी हो सकता है, आईटी के हैं, डिप्लोमा के हैं, बीटेक के हैं, लेकिन आपका टेक्निकल होना चाहिए तभी आपको इसमें लिया जाएगा। अगर आप टेक्निकल से हैं, टेक्नीशियन से हैं तभी, अगर आपका अनटेक्निकल वाले हैं तो फिर आपको इसमें बुला नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट जिंदाल स्टील प्लांट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हैं। वो भी इसमें दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 दिन भर्ती होने वाला है, ठीक है। 2 अलग अलग जगह पर ये भर्ती होने वाला है, तो आराम से आप लोग उस लोकेशन पर जाकर और अब जॉब पा सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने ग्रुपों पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जाकर और जॉब पा सके, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर केपीएसआईटी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप अगर नोटिफिकेशन कॉल करके नहीं रखते हैं तो जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, हो सकता है कि लेट में पहुंचे। अगर आप नोटिफिकेशन ऑल करके रखते हैं तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो साथ ही साथ आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सकेगा, ठीक है ना। इसलिए नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर केपीएसआईटी यूट्यूब चैनल से बने रहते हैं तो आपको 100% जॉब मिलेगा। अगर आपको 100% जॉब नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 7 डेज आप मेरे चैनल पे बने रहिए। 7 डेज देखिए, जितने भी 7 डेज के अंदर वीडियो आ रहा है सारे वीडियो को देखिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डेट दिया हुआ रहता है, एड्रेस दिया हुआ रहता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके उस डेट को उस एड्रेस पर आप लोग पहुँचिए, जाकर इंटरव्यू वगैरह दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जाते ही नहीं है। जब तक आप जाएंगे नहीं, घर बैठे आपको जॉब नहीं मिलने वाला, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं जो बताऊँगा वो कीजिएगा तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कंपनी में भर्ती है, आप अगर परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं या टेम्पोरेरी जॉब पाना चाहते हैं, जो भी जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, दोनों तरह का भर्ती है। तो मैं फिलहाल परमानेंट जॉब के बारे में 3-4 कंपनी के बारे में बता दे रहा हूँ, उनमें से किसी भी कंपनी में अगर करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, हमेशा दिया हुआ रहेगा, जाकर चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो पहले कंपनी का नाम सुनिए, कंपनी का वीडियो तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना हुआ है, कंपनी का नाम बताऊंगा उसके बाद जाकर पहले वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कंपनी का नाम लिख के कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो हरिद्वार उत्तराखंड में प्लांट है। इसमें आपको ऑनरोल परमानेंट जॉब मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो उसके लिए पहले वीडियो देखिए, फिर मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नोएडा में कोई अगर जॉब करना चाहते तो नोएडा में एक कंपनी है, हायर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें मैं आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब दिला सकता हूँ, चाहे आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, 10th 12th आईटी डिप्लोमा बीटेक जो भी किया है, सभी के लिए भर्ती है। तो इसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ताकि वीडियो में इसलिए आप लोगों को देखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा कि उस कंपनी में आपको क्या सैलरी मिलने वाला है, कितने घंटा आपका ड्यूटी करने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे, उस वीडियो में सब कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। इसलिए वीडियो जाकर पहले देखिएगा फिर मैसेज कीजिएगा। और जो तीसरी कंपनी है वो AI एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर अभी भारी मात्राओं में भर्ती चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो रहा है AI एयरपोर्ट में। लेकिन 3 एयरपोर्ट में भर्ती है, जयपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट। इनमें से किसी भी एयरपोर्ट में अगर आपको जॉब करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। एयरपोर्ट का भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, जाकर पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अगर करना होगा तभी जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। बिना वीडियो देखे कोई भी मैसेज वगैरह नहीं कीजिएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी में जो है दोस्तों भर्ती चल रही है, परमानेंट भर्ती, ठीक है ना। मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना हुआ है, जाकर देखिए, और अगर आपको करना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
जिस कंपनी का नाम लिख के आप मैसेज करेंगे उसी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, कोई नहीं रोका सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं जिंदल स्टील प्लांट के जो ऑफिशियल बैनर जारी किया गया है कंपनी द्वारा, उस बैनर पर चलते हैं। और बैनर पर चल के दोस्तों मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ उस बैनर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको उसमें जाना है या नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि वीडियो आप स्किप करके देखेंगे, पूरी जानकारी नहीं लीजिएगा, फिर आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग जिंदल स्टील पावर प्लांट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यार हैरिंग फॉर माइनिंग्स, ठीक है। तो जो जिंदल स्टील का माइनिंग्स प्लांट है उसमें ये भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना। जो कोल इंडिया के जैसे माइनिंग्स होता है उसी तरह का इसका भी माइनिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि वालिकनी इंटरव्यू द्वारा आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका फॉर्मेलिटी होता है दोस्तों इंटरव्यू में, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे कि बताया गया जिंदल स्टील पावर इज ए इंडस्ट्रियल, यहाँ पर देख सकते हैं पावर हाउस विद देख सकते हैं डोमिनेंट है ना पर्सनस इन स्टील पावर माइनिंग एंड क्या क्या करती है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये अप्रोक्सली कितना टर्नओवर करती है साल भर में वो यहाँ पे बता दिया गया है कि 7.6 बिलियन USD है ना मैं इसका दोस्तों टर्नओवर है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो क्यों आपको समझ में आ जाएगा कंपनी के बारे में। इसके वाला आप लोग गूगल के फॉर्म पे जाके सर्च करेंगे जिंदल स्टील के बारे में तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू डिटेल्स दे दिया गया, तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बताऊँगा कि कहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, साथ साथ डेट बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो पहला जो आपका डेट होने वाला है वो रामगढ़ में लगने वाला है, ठीक है। ये वहीं पर भर्ती रखा गया है जो 28 और 29 मई को, दो दिन वहाँ पर होने वाला है, जो 2024 को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ पे भर्ती चलेगी, वहीं पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे बता दिया गया कि ट्रीट रेसिडेंसी जो गांधी चौक यहाँ पे थाना रोड जो रामगढ़ कैंट यहाँ पे झारखंड में ये लगाने के लिए जा रही, ठीक है। तो वहीं पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। दूसरा जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो रांची के अंदर होने वाला है, जो ये भी झारखंड के अंदर ही आता है, जो यहाँ पे 30 और 31 मई दो दिन रखा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 4 डेट पे भर्ती निकाला गया, मतलब 4 दिन यहाँ पे भर्ती होने वाला है दो जगहों पे। तो 4 दिन कम भर्ती नहीं होता है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन में से आप किसी भी दिन जा सकते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भर्ती होगा, जो कैपिटल यहाँ पे रेसिडेंसी स्टेशन रोड रांची, ठीक है, झारखंड में। तो दोनों आप देख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसी एड्रेस पे आप लोगों को पहुँचना पड़ेगा। आप इसमें एलिजिबल कैटेगरी वगैरह जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चाहिए इसमें जॉब करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि कोल माइंस के लिए भर्ती निकाला गया वैकेंसीज, ठीक है, JSP अंगुल द्वारा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास कोल माइनिंग मैनेजर के लिए भर्ती निकाला गया, सेकंड क्लास कोल माइनिंग मैनेजर के लिए भर्ती निकाला गया, ओवरमैन कोल माइनिंग के लिए निकाला गया है, माइनिंग जो साइडर होता है उनके लिए निकाला गया, ड्राफ्ट्समैन के लिए निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए निकाला गया, जो फॉरमैन होते हैं उनके लिए भी निकाला गया, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी भर्ती है जो IT पास स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सुपरवाइजर के लिए भी भर्ती निकाला गया, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन जो होता है वो भी IT पास स्टूडेंट के पास ही होता है। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं दे दिए गए लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पैच माइनिंग ऑपरेटर फर्स्ट क्लास के लिए भी ये भर्ती निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिस्टिक डिस्पैच शिफ्ट इंचार्ज के लिए भी भर्ती निकाला गया है, जो सेकंड क्लास के लिए। यहाँ पे बताया गया कि जियो लॉजिस्टिक्स के लिए भी भर्ती है, हैं यहाँ पे सावियर के लिए भी बताया गया, ठीक है, जो केमिकल के लिए। सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट क्लास के लिए भी भर्ती है, फायर टेंडर के लिए भी भर्ती है, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए भी भर्ती है, डस्ट इंचार्ज एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे भर्ती है, ठीक है। 300 पोस्टों पे भर्ती निकाला गया, आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी IT पास स्टूडेंट है, डिप्लोमा किए हैं, BTech किए हैं, डिग्री किए हैं, आप लोग इसमें जा सकते हैं। 300 पोस्टों के लिए आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग पोस्ट एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नोट दिया गया कि यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव कोल सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन माइनिंग, मतलब यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि कोल सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन माइनिंग में होना चाहिए, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे बताया गया शुड हैव HT लाइसेंस कोल माइनिंग, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको इसमें जॉब मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपके पास ये सब है नहीं आप चले जाएंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये सब है तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन बहुत ही अच्छा अच्छा पोस्टों पे भर्ती निकला गया, इसमें सैलरी तो दबा के मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 बता दिया, वो बेसिक सैलरी बताया था, ठीक है ना, लेकिन आपका बेसिक सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो, ठीक है। देखिए मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, जिनको जाना है जा सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार एड्रेस और डेट दिखा देता हूँ, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 डेट बताया गया, 28
29, 30, 31 को। जिनको जाना है जा सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके। जो ITI डिप्लोमा डिग्री पास स्टूडेंट है कोल इंडिया वगैरह से, जो अप्रेंटिस वगैरह भी अगर किए होंगे आप लोग, तो आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप लोग जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि और भी आपको अच्छा अच्छा जॉब वैकेंसी का वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।